हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिताभ आपका आयुष्मान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कर रहे थे जो है, और आपका जो है इस पे जो है रिएक्शन बहुत अच्छा रहा जो है। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया जो है उस लेक्चर पे जो है, तो मैं उससे प्रोत्साहित होकर फिर से सेकेंड लेक्चर लेके आया हुआ हूँ। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, GIC प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है यूपी में जो है, GIC लेक्चरर के लिए, ठीक है, उसका बैच जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही में यूपी TGT PGT जिसका फॉर्म जो है जनवरी के मिड में जो है आने का जो है, ऐसा समाचार पत्रों से पता लग रहा है कि यूपी TGT PGT का फॉर्म भी जो है बहुत जल्द जो है जनवरी के मिड में जो है आने वाला है। जो है एक बार आया था फिर से कैंसिल हो गया है, तो दोबारा आने वाला है ये फॉर्म जो है। तो इसका भी न्यू बैच जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने जो है ये कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जो है, क्योंकि अगर आप इस नए साल में 2021 में आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, तो आपको जो इस कोर्स से जो जुड़ जाना चाहिए और सही दिशा में जो तैयारी करनी चाहिए, ताकि 1% भी का जो है कोई कमी ना रह जाए जो है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए जो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो शॉर्टकट बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही ज्वलंत है जो है। देखिए, इसमें पहला इसको नाम मैंने दिया हुआ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का देखिए हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ 6 sin(6θ) प्लस cos(6θ) माइनस 9 (sin)(4θ) प्लस cos(4θ) प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन है -3, 0, 1 और 3। देखिए, अगर आप इसको जनरल मेथड से एग्जाम में करने जाएंगे तो सबसे पहले sin(6θ) को आप sin³θ का स्क्वायर लिखेंगे, फिर cos(6θ) को cos³θ का स्क्वायर लिखेंगे या cos²θ का क्यूब लिखेंगे, फिर a³ + b³ लगाएंगे, सेकंड ब्रैकेट में a² + b² वाला फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट आपको लगेगा। मैं इसका आंसर आपको जो 10 सेकंड में बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको 10 सेकंड में बता रहा हूँ। कैसे आप 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, उससे भी कम में आप बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो और आंसर में जो कोई वेरिएबल ना आ रहा, जैसे वहां पे क्वेश्चन में वेरिएबल थीटा है, ठीक है, क्वेश्चन में वेरिएबल थीटा है लेकिन आंसर थीटा से मुक्त है ना, थीटा से फ्री है, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और सबसे आसान वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो याद रहेगा 6 sin(0) कितना होता है 0, cos(0) कितना होता है 1, फिर -9 sin(0, 0 cos(0, 1 और +4। कुल मिला के हमारा देखिए आंसर चुटकियों में आने वाला है, 6 - 9 + 4, 6 + 4, 10 - 9 = 1 आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसमें दूसरी वैल्यू भी पुट करके आप देख लीजिए, वैल्यू सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल मेथड से भी आप इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sin(6θ) प्लस cos(6θ) प्लस 3 sin²θ cos²θ इज इक्वल टू व्हाट? देखिए, इसको पहले मैं आपको डिटेल मेथड से करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि उसमें समय कितना लगता है और इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कितना जल्दी निपटा सकते हैं। sin(6θ) प्लस cos(6θ) प्लस 3 sin²θ और cos²θ, ये हमारा है हमारे पास। sin(6θ) को हमने लिख दिया sin²θ का क्यूब a³, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको cos²θ का क्यूब, ठीक है, a³ + b³ लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 sin²θ cos²θ। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b, ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या होता है a+b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a², ठीक है, a² + b², ठीक है, a² + b² + ab, ठीक है, +ab sin²θ cos²θ। आई होप आप समझ ही रहे होंगे, ये मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a³ + b³ इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² - ab + b² होता है। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a² - ab + b² या a² + b² - ab भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए sin²θ + cos²θ ये तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, sin²θ को हम लिखेंगे sin²θ का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर से इसको क्या लिखेंगे cos²θ का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लिखेंगे sin²θ cos²θ लिखेंगे। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे इन दो यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे a² + b², तो a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a² + b² को हम लोग लिखते हैं a+b² - 2ab, ठीक है, तो यहाँ पे a sin²θ है, b कितना है हमारे पास cos²θ है, तो a+b² हो गया, ठीक है, और -2ab करेंगे तो -2 sin²θ
और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक चीज़ हमको लोग कुछ मिसिंग, यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ दिया है ना, ये हमने प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे भी हम लोग जो प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बोला हमने ना। एक चीज जरा सा चेक कर लेते हैं, हम लोग कुछ जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना और प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस यहाँ पे है, प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। और प्लस जो है यहाँ से कितना बनेगा, ए माइनस टू ए बी, और यहाँ से हमारे पास कितना बनने वाला है, यहाँ से हमारे पास कितना बनने वाला है प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर देखें, ठीक है, कैलकुलेशन को एक बार जरा फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन की पावर, यहाँ ये जो फर्स्ट स्टेप है ये ठीक है हमला, और दूसरे स्टेप में साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा बना हमारे पास, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। और फिर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पे प्लस टू ए बी है, तो ये देखिए कट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, वन का स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो देखिए इतना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिटेल मेथड से अगर आप जाते हैं तो। आइए अब इसको हम लोग जरा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, चुटकियों में इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल है वो थीटा इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर है उसमें थीटा कहीं भी नहीं आ रहा है। आप जरा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप थीटा को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। सबसे आसान वैल्यू क्या, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री दे दीजिए यहाँ पे। साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, प्लस थ्री साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो कुल मिला के जीरो प्लस वन प्लस जीरो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। चुटकियों में देखिए आपने आंसर जो 10 सेकंड में निकाल दिया, और ऐसे डिटेल मेथड से आप जाएंगे तो इसमें काफी समय आपको लग जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए डिटेल मेथड से अगर आप यहाँ पे जाएंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी साइन बी माइनस सी, फिर साइन सी माइनस ए ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, बट ये टाइम टेकिंग होगा। अगर क्वेश्चन में आप देखिए तो अल्फा बटा अल्फा बीटा गामा जो है जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अगर आंसर में आप देखिए कहीं भी अल्फा बीटा गामा नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसका मतलब कि आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। सबसे आसान वैल्यू है कि अल्फा और बीटा गामा और सभी को वैल्यू दे दीजिए जीरो, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा कॉस जीरो, मैं यहाँ पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ एक बार, तो यह डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस जीरो, ठीक है, कॉस जीरो कितना हो गया वन, फिर इंटू साइन साइन वन माइनस वन कितना, सॉरी साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो कितना होता है जीरो, ठीक है। तो प्लस कॉस बीटा हमारा कितना है, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी है जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, इंटू फिर से साइन गामा माइनस अल्फा, गामा और अल्फा दोनों जीरो, मतलब साइन जीरो आएगा, साइन जीरो जीरो आता है, फिर कॉस गामा मतलब कॉस जीरो कितना हो गया वन, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब साइन जीरो कितना हो गया जीरो, कुल मिला के जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब आपका आंसर कितना आने वाला, जीरो आने वाला है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है इस तरीके से जो है जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में तो वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आपको जो है उसके आंसर में जो है अगर वो वेरिएबल से मुक्त है तो वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, चाहे मैं आपको दे देता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ, एक वैल्यू निकालनी है आपको, द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस 60, ठीक है, टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस 60 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा माइनस 60 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा माइनस 60, ठीक है, और प्लस टेन अल्फा प्लस 60 टेन अल्फा प्लस 60 इंटू टेन अल्फा माइनस 60, इस पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इज इक्वल टू वाट, ठीक है। ऑप्शंस में आपको जो दिया गया है, इसके ऑप्शन से चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में जो है ना,
तो इसको आप ऑप्शन से देख के ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए 0 है, सेकंड ऑप्शन 3 है, थर्ड ऑप्शन आपका -3 है, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब फिर से देखिए क्वेश्चन में जो वेरिएबल अल्फा इन्वॉल्व है लेकिन ऑप्शन में कहीं भी अल्फा का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो टेन 0 कितना होता है, 0, ये पहला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 0, फिर से टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर पुट करेंगे 0, ठीक है, तो टेन 60 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो टेन -60 हो जाएगा। मतलब हमारे पास बचता क्या है, कुल मिला के हमारे पास बचेगा टेन 60 इंटू टेन ऑफ -60। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और टेन ऑफ -60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3। कुल मिला के आपके पास जो आंसर आने वाला वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अगर इसको डिटेल मेथड से लगाते हैं तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं, फिर टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता था आपको, बट यहाँ पे आपने अपने काफ़ी टाइम को सेव कर लिया। तो इस तरीके से जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिखे जहाँ पे आपको क्वेश्चन में तो वेरिएबल इन्वॉल्व है बट आपके ऑप्शंस में कहीं भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे आप वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सबसे आसान होता है कि आप 0 डिग्री पुट कर दीजिए, 0 पुट करिए, तो उससे जो है आंसर आसानी से आ जाता है। आप इसको डिटेल मेथड से भी करके देख लीजिएगा, यही आंसर इसमें आने वाला है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा हो आया होगा, तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ, थैंक यू वेरी मच।